टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए 5 मल्टीमिलियनर्स की मौत आखिर कैसे हुई। 1912 में टाइटैनिक जहाज के डूबने के बाद उसका मलबा 1985 में जाके मिला और टाइटन नाम की सबमरीन 2021 से ही एडवेंचरस को टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले जाने लगी। लेकिन 18 जून 2023 को ये पनडुब्बी आखिरी बार समुद्र के अंदर गई, लॉन्चर शिप से इसका कनेक्शन टूटा और ये वापस कभी नहीं लौटी। इसमें 5 मल्टीमिलियनर सीईओ स्टॉकटन रश, ब्रिटिश बिलियनर हैमिश हार्डिंग, फ्रेंच ड्राइवर पॉल हेनरी नारजोले, पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी सवार थे। यूएस कोस्ट गार्ड का कहना है कि ये पनडुब्बी इम्प्लोजन The debris is consistent with a catastrophic implosion of the vessel. यानी इस तरह प्रेशर से पिचक जाने के कारण 18 जून को ही डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी वजह से 5 यात्रियों की मौत हो चुकी है। सब्सक्राइब आवर मेजर स्टूडियोज फॉर मोर 3D एनिमेटेड एक्सप्लेनेशंस।